साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 27 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका मैथ का पेपर होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैथ का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ गया है आपके एग्जाम से पहले। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखेंगे, क्योंकि और उसके साथ साथ इस पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे, सभी चीज़ का जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ इस पूरी सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। तो ये आपका मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर है, आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ पूरे प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए देख लेते किस रूप में आपका मैथ में सब्जेक्टिव प्रश्न है और इसका उत्तर आपको किस रूप में लिख कर आना है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th का मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर का, जिसका विषय कोड आपका 110 रहने जा रहा है। समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा आपको पेपर में और उसके साथ साथ आपको 50 मार्क का आपका एग्जाम होगा, लेकिन आप कम से कम आपको 45 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बना देंगे। 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 45 मिनट में आप दोनों बना देंगे। कैसे, तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर बता दिया और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का भी उत्तर बता दिया। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा उत्तर होता है तो कम से कम आपको 25 मिनट लगेंगे और बाकी समय आपको यहाँ पर 25-30 मिनट आपको यहाँ पर लग जाएंगे आपको सब्जेक्टिव बनाने में। तो 45 मिनट के अंदर में आपको पूरे प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग चर्चा कर लेते, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे ऑब्जेक्टिव वाला तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको पेपर देता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर देता हूँ, इसलिए मेरे वाले वीडियो को आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न, जिनमें से 1 से 10 तक में आपसे प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न बनाएंगे तो 2 अंक दिया जाएगा, अर्थात कि आपको 5 प्रश्न बनाने हैं जिसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। तो मैं 5 का 5 का उत्तर लिख दिया, तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1155 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करें, फिर उसके बाद है 54 और 336 का लौस और मौस ज्ञात करने के लिए बोला। काफ़ी बहुत टाइप प्रश्न है, सभी का उत्तर मैं आपके लिए बता दिया। फिर यहाँ पर देखिए बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात करें, घन के लिए बहुपद x² + 2x² + 3x + 4 का गुणनखंड ज्ञात करें, फिर मूल बिंदु a - b की दूरी ज्ञात करें, फिर बिंदु 0.3 और 4.0 के बिंदु की दूरी ज्ञात करें। फिर 4 नंबर प्रश्न है sin θ 21/39 का sec θ का मान ज्ञात करें। फिर 8 नंबर प्रश्न आपका मान ज्ञात करें sin²θ × cos²θ tan²θ 45 का। तो ये सभी प्रश्न 2 मार्क का है और यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आपसे पूछा गया, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न है, मान ज्ञात करने के लिए बोला। फिर 9 नंबर में 2 त्रिभुज को समरूप करना है, 2 त्रिभुज बनाना है और दोनों त्रिभुज को आपको समरूप करना है। तो दोनों सभी का उत्तर आपको 5 ही प्रश्न बनाना है, तो 5 प्रश्न का है। और उसका यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है कि समकोण त्रिभुज के लिए बनने वाली भुजाओं का 40 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका उत्तर कहां पर मिलेंगे, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का इसी पीडीएफ में को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव उत्तर है, जिसमें 111115 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर इसका आंसर आपके लिए यहाँ पर निकाल दिया गया है। फिर आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर निकाला है, प्रश्न संख्या x² + 7x + 10 का शून्यंक ज्ञात करें, तो इसका शून्यंक यहाँ पर ज्ञात कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके लिए यहाँ पर निकाला गया है, 4 नंबर प्रश्न का x³+2x+3x+4 का, तो a₁ b₁ c₁ मान कर शून्यंक गण पर α×β×γ पर ले लिया गया और -4 -1 इसका उत्तर निकाल दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर मूल बिंदु ज्ञात करना है, दूरी सूत्र पर x² + y² का a³ - bx² इसका उत्तर हो जाएंगे, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहेंगे। फिर 6 नंबर प्रश्न का, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का, आगे हम लोग लॉन्ग आंसर, दूरी सूत्र पर इसका x³ - x² x² होगा तो y²-y₁² तो यहाँ पर फॉर्मूला पर सीधे सीधे बैठा कर आपको पूरा का आंसर निकाल दिया है। तो फिलहाल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। फिर 7 नंबर प्रश्न का, किन्हीं 5 का ही उत्तर दे रहा है, तो यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न का sin θ 21/13×99 p/b के रूप में लिखना है, बी का मान निकालना है, तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए निकाल दिया गया 20 सेंटीमीटर। फिर आइए अब लोग हम लोग सब्जेक्टिव अर्थात कि सब्जेक्टिव का दीर्घ टाइप का प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो आपका हो गया था पूरा, अर्थात कि ये जो प्रश्न था आपका, ये तो आपका शॉर्ट था। चलिए दीर्घ द्वितीय प्रश्न की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए आपका दीर्घद्वितीय टाइप का प्रश्न, जिसमें 11 से लेकर 15 तक में दीर्घद्वितीय टाइप का प्रश्न दिया गया है, जिनमें से यहाँ पर बोला गया है कि नहीं तीन प्रश्न का उत्तर देना, एक प्रश्न बनाएंगे तो आपको 5 अंक दिया जाएगा, तीन प्रश्न बनाएंगे तो आपको 15 अंक मिलेगा। तो मैं तीन प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपसे बोला गया आपके एग्जाम में क्लास टेंथ का मैथ का पेपर है। थिल्स प्रमेय का कथन को लिखे एवं सिद्ध करें, फिर साइन 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें, साइन 30 डिग्री के रूप में त्रिकोणमिति के अनुराप व्यक्त करें, फिर निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण युग एक्स 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4 हो तो ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। फिर 15वां प्रश्न, यदि दो भिन्न अंश तथा हर दोनों में जोड़ा गया हो तो 9/11 तथा अंश का हर दोनों में 3 हो जाए तो 5/6 हो तो भिन्न ज्ञात करें इसका उत्तर। तो चलिए सभी का उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सभी का उत्तर आपको इसी PDF में दिया जाएगा। इसी PDF में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दीर्घद्वितीय टाइप का प्रश्न 14वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न का उत्तर, 14वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। 14वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्यूशन किया गया, सभी प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बना लेना है। फिर आपका यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए यहाँ पर 3 प्रश्न बनाना है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका के लिए आप, और उसके साथ आपका एक प्रश्न जो रहेगा तो आपको PDF मिल जाएगा, तो उसमें मैं आपको सोल्यूशन कर डाल दूंगा। तो अभी इसका दीर्घद्वितीय टाइप का 2 प्रश्न देखें, 3 बनाना है तो एक और मैं सोल्यूशन कर आपको। थेल्स प्रमेय वाला थोड़ा सा लंबा होता है, प्रूफ करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं डाला, तो जल्दी से इसका प्रूफ कर आपको PDF मिलेंगे। तो आपको आप चलिए PDF कैसे मिलेंगे वो सीख लेते हैं। ये आपका क्लास 10th का जो आपका मैथ का ये जो पेपर है, ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, और ये जो पेपर आपको देखने को मिलेंगे 27 अगस्त के पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके मन में ये प्रश्न है कि ये पूरे ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का हमें PDF प्राप्त होता तो काफ़ी शानदार होता है, तो चलिए हम वही PDF डाउनलोड करना सीख लेते हैं। देखिए PDF डाउनलोड करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, वहाँ से क्लिक कर आप ज्वाइन कर लेना है। नहीं तो आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का दोनों का आपको PDF जल्दी इसके आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से आपको इतना कार्य कर लेना है, आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करना है और PDF आपको प्राप्त करना है। इसी प्रकार से प्यार साथी मैं आपका मैथ का और उसके बाद आपका इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया, इंग्लिश का जस्ट आपका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मेरे पास शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत